करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए आज गिरिडीह जिले के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर संगठन समन्वय समिति का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए विद्यालय के समय में परिवर्तन की मांग की गई, ताकि छोटे छोटे बच्चे विद्यालय पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। प्रतिनिधि मंडल में मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अख्तर अंसारी, मिथुन राज, सुरेंद्र पांडे, तेज नारायण मेहता, राजेश कुमार सिंह, विकास कुमार सिन्हा सहित कई साथी मौजूद थे। मौसम बदल रहा है और आज की ठंड गिरिडीह की जो थी उससे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय जा रहे हैं उनको इसका बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए हम लोग समन्वय समिति के बैनर तले माननीय उपायुक्त महोदय के नाम, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया और जिला शिक्षा अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया है कि स्कूल का समय 10 से 2 किया जाए, ताकि बच्चे पढ़ भी सकें और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रह भी सकें। हुए शिक्षक समन्वय समिति उपायुक्त महोदय से मिलकर हम लोगों ने आग्रह किया है कि समय में परिवर्तन किया जाए। विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ठंड के कारण उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए विद्यालय का समय 10 बजे से 2 बजे तक किया जाए। कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए बच्चे को जो परेशानी हो रही है, तो इस संबंध में समय से संबंध में क्या करना चाहेंगे सर आप, जो बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और विद्यालय भी सही रहे और पढ़ाई लिखाई कोई डिस्टर्बेंस ना हो? देखिए, अभी जो टाइमिंग है जो रेगुलर वो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का है, लेकिन जो अचानक जो मौसम में बदलाव आया है, काफ़ी ठंड बढ़ा है तेज़ी से, तो उसमें बच्चे को सहूलियत नहीं है मॉर्निंग में स्कूल आने में और शिक्षक लोग को भी ये परेशानी है। तो इन लोगों का डिमांड था कि विद्यालय खोलने का समय जो है 9 से बढ़ा करके 10 कर दिया जाए, और बट बंद होने का समय में ये लोग शिफ्ट नहीं किया आगे और 3 पे ही वो लोग रहे कि 3 बजे बंद किया जाए। 2 बजे का बताया गया था सर? नहीं, ये लोग बता रहे थे 3 बजे तक का ही, 3 बजे तक ही, जिस पे मेरा ये कहना है कि ठंड तो अत्यधिक बढ़ा है और बच्चे चूँकि ग्रामीण परिवेश से हैं, उनका वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो कपड़े पर्याप्त मात्रा में गर्म ऊनी कपड़े उनके पास नहीं है, तो ये एक समस्या है। सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया जाएगा। उपायुक्त महोदय और रांची से जो निर्देश प्राप्त होता है उसको बिल्कुल डायरेक्शन पर हम लोग अमल करेंगे। धन्यवाद। ठंड को देखते हुए जो बच्चों पे स्वास्थ्य जो पढ़ के पे जो असर पड़ रहा है, बुरा असर, इस संबंध में क्या करना चाहेंगे समय को लेकर के आप? निश्चित रूप से अभी तो अचानक मौसम में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, निश्चित रूप से आज ही चूँकि विद्यालय हमारे खुले हैं और कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं, लेकिन यही देखा जा रहा है कि उपस्थिति काफ़ी बच्चों की कम है और 10% के आसपास ही, 10-15% के बीच ही उपस्थिति है। इस मार्फत शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं मेरे पास, उन्होंने एक अभ्यावेदन दिया है कि इस स्थिति में बच्चों को कोई मतलब उनके साथ कोई घटना ना हो या ठंड उनको ना लगे, इसलिए उन्होंने समय में बदलाव के लिए एक ज्ञापन दिया है। लेकिन चूंकि उसमें जो विद्यालय का टाइमिंग है या जो समय है वो स्टेट या सचिव स्तर से ही वो निर्धारित है, तो शिक्षकों के लिए हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि उनको कितना बजे स्कूल ये करना होगा, लेकिन बच्चे के लिए हम लोग एक बार उपायुक्त से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है और अन्य ज़िलों में भी क्या संभावनाएं बन रही है, क्योंकि ठंड का प्रकोप तो सारे ज़िलों में ही है, तो हम लोग ये भी कर करके आजकल में कुछ अगर उच्च स्तर से हम लोग को कुछ आदेश निर्देश आता है तो निश्चित रूप से गिरिडीह में भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बात चूँकि संज्ञान में आ गई है तो अपने स्तर से भी इसको उपायुक्त के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे और इस ठंड से बच्चे को
बचाने का भी प्रयास करेंगे हम।